आज हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि कक्षा 9वीं 10वीं की जो संस्कृत व्याकरण है तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि। व्याकरण विधि के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह रहेगा, चलिए देखते हैं क्या विषय है। आज का हमारा जो विषय है वह है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। और कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम आज? द्वितीय पाठ। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि संज्ञा क्या है और उसकी जो परिभाषा प्रकरण है वो क्या है। चलिए आइए, ये दिया हुआ है संज्ञा और परिभाषा। ये जहां ये दिया ना संज्ञा और परिभाषा प्रकरण, इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है, जैसे दिया है संसार में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, तो व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या बोला है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को किसी ना किसी नाम से जाना, यानी हर व्यक्ति का कोई नाम होता है, हर स्थान का कोई नाम होता है, हर वस्तु का कोई नाम होता है, तो जिस किसी को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का अत्यंत ही महत्व है। किसमें? संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाओं एवं परिभाषाओं के विषय में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। तो जो संज्ञाएं हैं इनकी, जो परिभाषाएं हैं इनके विषय में बताया जा रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना? संज्ञा क्या होती है? तो संसार में प्रत्येक वस्तु स्थान भाव को जिस किसी ना किसी नाम से जब जाना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान वस्तु जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत अधिक महत्व है। किसमें? संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाओं एवं परिभाषाओं के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है मित्रवत आगम। पहले क्या है? आगम। और इसको क्या कहते हैं? मित्रवत आगम। मित्रता क्या है? यानी मित्रतापूर्ण, है ना? मित्रवत आगम का मतलब क्या होता है? मित्रता। किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर जुड़ता है तो उसे आगम कहते हैं। जैसे शिवच्छाया शब्द दिया है तो इसमें जो शिव छाया में जो चा का वर्ण है वह आगम हुआ है। वह क्या हुआ है? आगम हुआ है। एक बार उसे समझिए आप, आगम का मतलब होता है मित्रवत आगमन। ये आपको खाली स्थान के रूप में या किसी शब्द के रूप में पूछा जा सकता है कि आगम क्या है। तो किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर क्या होता है? जुड़ता है तो उसे हम आगम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है शिव छाया, शिव धन छाया बराबर शिव छाया। यहाँ जो चा वर्ण का क्या हुआ है बेटा? आगम हुआ है। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखो कि जब किसी वर्ण के साथ किसी वर्ण का जुड़ा होता है वह तो उसको क्या कहते हैं? अलग से आकर जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं आगम। क्या बोलते हैं उसको? आगम। ये समझ में आया? अब दूसरा है आपका आदेश। दूसरा क्या आता है? आदेश। आदेश क्या है? ये है शत्रुवत आदेशक। कौन सा आदेश है बेटा? ये शत्रुवत आदेशक। अब ये आदेश जो आप पढ़ रहे हैं ये तो पहले हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर आगम। यहाँ दूसरा क्या पढ़ा? आदेश। अब इसमें क्या होता है? किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे आदेश कहते हैं। जब किसी, देखो, किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे आदेश कहते हैं। जैसे अति धन आचार, ये शब्द दिया एक अति, दूसरा दिया है आचार। क्या शब्द बना? अत्याचार, ये शब्द बना। अब यहाँ पर चूंकि का में ई की मात्रा तो कौन सा शब्द जुड़ा? ई शब्द जुड़ गया। कौन सा शब्द जुड़ा? ई। तो यहाँ पर जो है या का आदेश हुआ। जब यहाँ पर ई के स्थान पर, यहाँ जो ई है अति की ई है तो इसके स्थान पर क्या जुड़ गया है? यानी ये ई ना होकर के ई के स्थान पर क्या हो गया? या।
यहाँ पर ई के स्थान पर क्या हुआ है, या आदेश हुआ है। तो जो या आदेश हुआ है तो वह कौन सा है, इसको कहते हैं हम शत्रुवत आदेशक। एक बार पुनः परिभाषा समझे, किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे आदेश कहते हैं। जैसे अति धन आचार में बड़ा बराबर क्या हुआ, अत्याचार। यहाँ पर ई के स्थान पर किस चीज का आदेश होगा, या। तो ये कौन सा आदेश हो गया, शत्रुवत आदेश। इसके पहले हमने आगम, आगम माने होता मित्रवत आगम, और आदेश माने शत्रुवत आदेश। विशेष क्या दिया है, देखिए पूर्व, ये विशेष दिया हुआ है यहाँ पर, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होना एक आदेश कहलाता। पूर्व माने पहले, पर माने बाद में। तो जो एक पर एक वर्ण का आदेश क्या कहलाता, एक आदेश कहलाता। जैसे महेशा, ये उदाहरण दिया हुआ है, जैसे दिया है महेशा, ठीक है। अब महेशा में आधन ई, आधन ई दोनों को एक आदेश क्या हो गया, ए। तो ये देखिए हाँ में जो ए की मात्रा लगी है वो क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा महेशा। इस प्रकार से इसका ये विशेष दिया हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है उपधा, क्या दिया है उपधा, अलोयंत्यात् पूर्व उपधा। ये सूत्र है बेटा, ये सूत्र दिए जाते हैं इसमें, किसमें किसके जोड़ने से क्या होता, तो ये सूत्र है। आप थोड़ा सा सरल उसको भाषा में समझिएगा। अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पहले आने वाले वर्ण को उपधा कहते हैं। अंतिम स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन तो आप जानते होंगे, आ आ ई ई, है ना। और व्यंजन आप जानते हो, का खा गा घा, ठीक है। तो अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन से ठीक आने से पहले क्या कहते हैं, वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे दिया है निम्न, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला देखो, नी ई फिर धन न और द। तो इसमें जो दा है वो क्या है, अंतिम वर्ण। दा क्या है, अंतिम वर्ण आया, ठीक है। और उससे पूर्व क्या आया है, ये ना आया है। तो ये उपधा, पूर्व क्या है, ना। तो ना क्या है, उपधा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण दिया है धा। तो धा में भी देखो आ है मा है ना। अब इसमें जो आ आया है, ठीक है ना, तथा पढ़ती, पढ़ती ने क्या दिया, पा दिया है, प अ प अ, तो ये आ है। फिर थ अ ठ अ ठ आ है, ता ई त ई ता ई ई में है। तो इसमें जो ता है वो क्या आया, यहाँ पर उपधा। समझ में आया। इसलिए एक बार पुनः आप समझे कि अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पहले आने वाले वर्ण को उपधा कहते हैं, और ये उसके मैंने आपको उदाहरण समझाया। इसके बाद आता है पर, क्या आता है इसके बाद, पर। पद में क्या आता है, सुक्त दिगंत पदम। ये सूत्र है बेटा, ये जो है ये सूत्र दिए जाए। अब इनको भी आप सरल शब्दों में बहुत ध्यान से समझिए। सु, सु और जस आदि, ये 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 दिए हैं, ठीक है ना। और ते, अते, तस, ये तिं, सु और तिं। सु माने होता है जब हम जो विभक्ति वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसके अंतर्गत आता है। तिं के मतलब जो धातु रूप वगैरह इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या आएगा, तिं, तस, झी, है ना, आदि। ये कितने वर्ण, कितने होते हैं, ये 18। ये कितने होते हैं, सु 21। तिं कितने होते हैं, 18। प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः, प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः शब्दों एवं धातुओं को पद कहते हैं। अब आए मान पूछा कि पद की परिभाषा क्या है, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, सुम और तिं प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः शब्दों धातुओं को पद कहते हैं। तो जो सुम यानी शब्द रूप और तिं माने धातु रूप, ठीक है। आप जैसे दिया है रामा, बालिका, लता, पठती, गच्छन्ति इत्यादि, ये सब क्या है, ये पद कहलाते, इत्यादि कैसे, ये सब क्या है, ये पद कहलाते हैं। क्यों पद कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सु और तिं, तिं जो है इनका प्रयोग होता है। इसलिए क्या कहा है एक बार, कि सु और तिं प्रत्ययों के लगने पर शब्दों या धातु रूपों को क्या कहते हैं, जब उनका एक पद बनता, पठती, चलती, है ना, राम श्याम, तो इस तरीके के जो रूप बनते हैं तो उनको हम कहते हैं पद। अब विशेष क्या दिया है, चलिए विशेष समझ लेते हैं इसका। केवल राम, बालक, लता, पट, गम आदि पद नहीं कहे जा सकते। इनको हम केवल क्या नहीं कह सकते हैं, ये जो शब्द दिए हैं इनको हम केवल पद नहीं कह सकते, जब तक कि उनमें क्या नहीं लगेगा, सुपति प्रत्यय नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका विशेष हो गया। अब चलिए समझते हैं निष्ठा, क्या पढ़ेंगे हम, निष्ठा। तो अब इसमें क्या दिया है, तत्वत निष्ठा, क्या दिया है, तत्वत निष्ठा। तो ये सूत्र दिया बेटा, है ना, या तो
निष्ठा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, ता और तंतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं, ता और तंतु। इसमें ये अपन इसको कत या कतपत्तु नहीं कह सकते, इसका आएगा उच्चारण से ता तंतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इन प्रत्ययों से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। भूतकालिक मैंने पढ़ा था, किया था, भूतकालिक मैंने जो है उन क्रियापदों का अपन को क्या होता है, भूत होता है। फिर इस प्रकार से यह निर्माण होता है, जैसे पठिता, गता, पठितवान, गतवान इत्यादि। तो इस प्रकार से निष्ठा क्या कहलाती है, ता तत्व प्रत्ययों को क्या कहते हैं, निष्ठा। मान लो परिभाषा आती है तो यही आएगा, ता तत्व प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। चलिए आगे इसके पढ़ते हैं। इसके आगे के जो है फिर है विकरण। क्या पढ़ेंगे हम, विकरण। धातु और ती प्रत्ययों के बीच में आने वाले शब्द अ, शयनिया, सु, नु आदि प्रत्यय जो है वह विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती, एक उदाहरण दिया भवती में, एक बार फिर से आप परिभाषा समझें। धातु तिंग्य प्रत्ययों के बीच में आने वाले शब्द आ और शयन, शयन य और स्नु नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। अब उदाहरण क्या है, जैसे दिया भवती, भवती में देखिए भा धन ती के मध्य में क्या हुआ, शब्द हुआ भा धन अ धन ती। तो विकरण भेद से ही धातुएं जो है 10 गणों में विभक्त होती, विकरण के भेद से जो धातुएं हैं वो 10 गणों में विभक्त होती है। इस प्रकार से इसको हम विकरण कहते हैं। तो क्या विकरण की आएगी, धातु और तीन के प्रत्ययों के बीच में आने वाले शब्द और स्नेह और स्नु जो है नु अने आदि विकरण शब्द कहलाते हैं। अब आता है संयोग, क्या आएगा, संयोग। अब संयोग किसे कहते हैं, हलो अंतरा संयोग, ये सूत्र दिया बेटा, ठीक है, ये सूत्र है। अब आता है व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण न हो तो उस समीपता को संयोग कहते हैं। व्यंजनों के बीच स्वर वर्ण ना हो तो उस समीपता को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे विद्यालय में जो दा है, द या विद्याय, द या द्या या समझते ना, सूत्र में सर सु 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 रस र है ना, तथा तर तथा तर, ठीक है, त व, ये जो है तो ये क्या कहलाते हैं, इनका संयोग होता है ना। विद्यालय विद्याधनालय विद्या द य मिलके बना है। इस प्रकार से जो संयोग होता है व्यंजनों के बीच में स्वर ना, स्वर नहीं है इसमें कहीं भी, विद्यालय में स्वर नहीं है, स्वर है नहीं है, सूत्र में स्वर है नहीं है, तो उसको समना हो, स्वर वर्ण ना हो तो उस समीपता को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अब आता है संहिता, क्या पढ़ेंगे हम, संहिता। परासन्निकर्षव संहिता वर्णों की अत्यंत समीपता को, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता की अवस्था में सभी संधि कार्य होते हैं, जैसे संधि कार्य यानी जोड़ने वाला कार्य होता है। जगत धन ईशत में ताज शब्द दिया, देख रहा ना, जगत ताज शब्द दिया, ता में क्या जुड़ी है, ई है ना, तो क्या हो गया, ता धन ई में संहिता है। तो जब संहिता होने के कारण वो क्या हो गया, संधि होने से क्या शब्द बन गया, जगदीशा, क्या शब्द बन गया, जगदीशा। इस प्रकार ये पढ़ी हमने संहिता। फिर आता है संप्रसारण। अब ये सूत्र दिया, संप्रसारणम ई जो दिया, यग्रण माने जो ई है, या को ई, वा को उ, ई को रु, ला को रु, हो जाने को संप्रसारण कहते हैं। समझ में आ गया, तो इसमें दिया है सूत्र के हिसाब से संप्रसारण पढ़ा हमने। अब इसके आप चलिए आगे पढ़ते हैं। आप ये इसके प्रश्न उत्तर आपको दिए गए। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है वो क्या है, अधोलिख लिखित उपदेश आगम वर्णन आदेशम स्पष्टीकृत पृथक रूप, मतलब आपको पृथक है, दस धन छाया वृक्ष छाया, तो अब ये मतलब यह है क्या, चाह आगम वर्ण, क्यों, क्योंकि इसमें जो चाह है वो आया है बीच में, यदि धन आप यद्यपि, तो इसमें क्या आया है, यह आया है। अब इस प्रकार से आपके प्रश्न है तो इनके क्या हो, जैसे यदि धन आदि इत्यादि, इसमें क्या किस चीज का आया है, यदि यह दिया है इसमें या था, फिर ठीक है। तरु धन छाया क्या है, तरु छाया जा का आगम हुआ है। फिर दिया है अनुधन छेद अनुच्छेद, तो इसमें किस चीज का दिया है, जा का आगम हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। फिर अनुधन इक्षति अनविक्षति,
जैसे हमने बताया कि ये जो सेपेड वाले का है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आगम, चा का क्या हुआ यहाँ पर आगम। फिर ये थर्ड वाला जो अनुच्छेदा 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 में चा का आगम हुआ है, ठीक है। फिर अनुबंध इक्षति में काय का आगम हुआ है बा का, यहाँ पर क्या हुआ चा का, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी क्या हुआ चा का आगम आगम हुआ है। और या का यहाँ पर इतिधन आदि में इत्यादि में या का आदेश हुआ। इस प्रकार से या का आपको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना है। फिर इसके बाद है अधोलिखित अधोलिखिता तालिकात पद संज्ञा पदानी पृथक कृत्वा, है ना। ये पृथक है ना, अलग, पृथक का मतलब होता है अलग करके लिखना है। जिसमें दिया है सह पठती, है ना, ये शब्द दिए हैं हरिद्र हसामी चल मुनि चलती ते। अब इसका उत्तर क्या आएगा, इसमें देखो उत्तर क्या दिया है, पद संज्ञा, पद संज्ञा जैसे कौन कौन से इसमें, एक दे दिया है सह पठती, फिर क्या दिया है हसामी मुनि चलती और ते, ये इसका क्या है आंसर है सही। इसमें जो पद है संज्ञा पद है उसको पृथक करके अपन को लिखना है कौन सा पद संज्ञा मतलब पद है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त प्रदेश पदेशु संयोग मतलब जो पद है उनका संयोग उदाहरण उसको हमें पृथक करके इसमें लिखना है। तो अब क्या आएगा इसके उत्तर, देखो ये जैसे ये शब्द दिए आपको महेश उष्णव आविशा, ये दिए ना सब शब्द दिए आपको, है ना, ये पूरे शब्द दिए। अब इसको अपन को कहा कैसे इसका संयोग मतलब किस चीज से, जैसे ये महेश तो महेश में किस चीज का संयोग हुआ है, ठीक है ना। फिर उष्ण में किस चीज का संयोग हुआ है, वागीश में क्या, तो कुछ अपन को जो शब्द इसमें दिए हुए हैं इनको हमको अलग कर मतलब कैसे इसमें जुड़ा हुआ। तो जैसे उष्ण में क्या आया है स और न, सज्जन में क्या आया है य और ज, फिर इसमें क्या आया है महत्व में क्या आया है ता ता और वा, और क्लेश में क्या आया है क और ला। इस प्रकार से आपको इसके आंसर करने हैं। इस प्रकार से आपको आपकी व्याकरण नीति का दूसरा अध्याय समझाया, जिसमें मैंने आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सब चीजों आगम आदेश मित्रवत्, है ना, क्या कहते हैं तो उपधा क्या है, ये सब और उसके प्रश्न उत्तर बताया। उसको कॉपी में लिखिए और बेटा इसके जो उदाहरण मैंने समझाए इनकी जो परिभाषाएं समझाई हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और कॉपी में बेटा चूंकि ये संस्कृत है मैं बार बार बोल रही कि आपको इसको लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मैं संस्कृत विषय में पढ़ा रही हूँ आपको कक्षा नौवीं के बच्चे, ध्यान से उनको जो प्रश्नोत्तर है वो संस्कृत में लिखे जाते हैं। और अभी तक मैंने जितने आपको पाठ पढ़ाए हैं जो व्याकरण पढ़ाई है उसको आपको बेटा लिख के याद करना है ना। संस्कृत है इतना कठिन तो नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत सरल विधि से पढ़ाऊँ, परंतु फिर भी आपको वो संस्कृत में आपको थोड़ा सा लिख के याद करना पड़ेगा। बेटा बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप अच्छे से याद करिए उसको बेटा, कॉपी में लिखते जाइए और घर के लिए सुरक्षित। धन्यवाद।